नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गहलोत माकन डोटासरा का जोधपुर नागौर जयपुर दौरा आज। पूर्व मंत्री महिपाल मदेना के गांव में जताएंगे संवेदना। प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविरों का करेंगे निरीक्षण। दीपावली से पहले बेरोजगारों को मिलेगी राहत। लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में जुटा शिक्षा विभाग। मंत्री डोटासरा ने ली अधिकारियों की क्लास। जयपुर में 24 घंटे में डेंगू के 230 मरीज। दो दिन में 5 की मौत और 30 की स्थिति गंभीर। JCTSL कर्मचारियों पर रेस्मा लागू। बेनतीजा रही वार्ता के बाद आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। शहर में नहीं चली 280 से ज्यादा लो फ्लोर बसें। राज्य कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। 8 लाख कर्मचारियों में से 4.40 लाख पेंशनर्स का डीए 3% बढ़ाया। 6 लाख कर्मचारियों को बोनस। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में युवाओं को खुश करने के लिए शासन प्रशासन एक बार फिर एक्टिव हो गया है। प्रदेश में पिछले लंबे समय से लंबित चल रही भर्तियों को जल्द पूरा करने में जुट गया है। शिक्षा संकुल में गुरुवार रात तक जहां पिछले 23 सालों में हुई शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की समीक्षा की गई, वहीं प्रदेश में लंबित चल रही भर्तियों के कानूनी और तकनीकी पैच सुलझाने पर मंथन किया गया। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में युवाओं को दीपावली से पहले नौकरियों का तोहफा मिल सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में हुई बैठक में जहां 637 शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापकों को नौकरी देने पर सहमति बनी, वहीं स्कूल व्याख्याता द्वितीय श्रेणी अध्यापक तृतीय श्रेणी अध्यापक शारीरिक शिक्षक भर्तियों के अलावा अन्य लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने पर मंथन किया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री ने रीट 2021 और कंप्यूटर शिक्षक सहित अन्य भर्तियों को लेकर भी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राजस्थान सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के लिए तत्पर है। ऐसे में पिछले लंबे समय से कोर्ट और अन्य मामलों की वजह से लंबित चल रही भर्तियों को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया, जिसमें कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। ऐसे में अब जल्द ही प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। डेंगू स्क्रब टाइफस और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप के बीच व्यवस्थाएं फेल साबित हो रही है। मरीजों और मौतों का बढ़ता आंकड़ा चिकित्सा विभाग को झिंझोड़ रहा है, लेकिन विभाग कोरोना के कमजोर और वैक्सीनेशन के मजबूत आंकड़ों को लेकर अपनी पीठ थपथपा पा रहा है। नतीजन अकेले SMS अस्पताल में विभिन्न जिलों से आने वाले मरीजों की जांच में पिछले 24 घंटे में ही डेंगू के 50 मरीज मिले हैं। इनमें से एक कदम टूट गया है। वहीं स्क्रब टाइफस के 30 मरीज मिले। ऐसे में चिकित्सा विभाग के इंतजाम के साथ नगर निगम के फोगिंग के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। SMS में इस साल अब तक डेंगू के 400 मरीज मिल चुके हैं, इनमें से 18 की मौत हो गई। अकेले अक्टूबर के 21 दिनों में डेंगू के सर्वाधिक 170 मरीज मिले हैं, जिनमें से 8 की मौत हो गई। डेंगू बच्चों को भी चपेट में लेने लगा है। जेके लॉन अस्पताल में इस साल अब तक डेंगू का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है, इसमें से 4 की मौत हो चुकी है। अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि एलाइजा जांच में डेंगू के 100 से अधिक बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि दावा किया कि भर्ती होने वाले बच्चों में अधिकतर ठीक होकर जा रहे हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को झटका दिया है। सरकार ने जयपुर शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करते हुए इन्हें राजस्थान अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के दायरे में ले लिया है। दरअसल जयपुर शहर में लो फ्लोर बसें नहीं चलने से जयपुर शहर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं 23 और 24 अक्टूबर को जयपुर जिले में पटवार परीक्षा है, जिसे देने अलग अलग जिलों से करीब 3.60 से ज्यादा अभ्यर्थी जयपुर पहुंचेंगे। ऐसे में इन भारतीयों को बस स्टैंड से एग्जाम सेंटर तक लाने ले जाने के लिए प्रशासन इन बसों का उपयोग करेगा। इसे देखते हुए सरकार ने रेस्मा लागू किया है। जयपुर शहर में लो फ्लोर बसें नहीं चलने से आज भी करीब 2 लाख यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा ने यूनियन के पदाधिकारियों संग सचिवालय में वार्ता की, जो बेनतीजा रही। यूनियन अध्यक्ष विपिन ने बताया कि जब तक 7वें आयोग के तहत वेतनमान देने, अरियर बोनस का भुगतान देने और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग सरकार नहीं मानेगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसी के चलते आज भी हड़ताल जारी है।
राजस्थान सरकार ने केंद्र की तरह राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 3% बढ़ाने और कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की मंजूरी दे दी है। राज्य कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़कर अब 31% हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीए बढ़ाने और दिवाली बोनस देने की मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए इस साल 1 जुलाई से मिलेगा। बढ़े हुए डीए का लाभ करीब 8 लाख अफसर कर्मचारियों के साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स को भी मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के अलावा वर्क चार्ज कर्मचारियों, पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर के 3 महीने का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ खातों में जमा होगा। अक्टूबर के वेतन से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान होगा। डीए बढ़ाने से सरकार पर 1230 करोड़ का भार पड़ेगा। 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, 500 करोड़ का भार आएगा। गहलोत सरकार ने करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने की मंजूरी दी है। गजटेड अफसरों को छोड़कर पे मैट्रिक्स लेवल 12 या ग्रेड पे 4,800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। हर कर्मचारी को लगभग 6,774 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। बोनस का 50% पैसा नकद मिलेगा जबकि 50% पैसा कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगा। बोनस देने से सरकार पर 500 करोड़ का खर्च अतिरिक्त करना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को साथ लेकर प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की हकीकत देखने शिविरों का दौरा करेंगे। आज सुबह करीब 10:30 से जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर जोधपुर के ओसिया में लक्ष्मण नगर चाड़ी ये तीनों नेता पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री महिपाल मदीना के निधन पर शोक संवेदना जताने तीनों उनके निवास स्थान जाएंगे, साथ ही प्रशासन के शिविर का दौरा करेंगे। फिर नागौर के निम्बोला, बिस्वा और आखिर में जयपुर के जोबनेर में देहरा पहुंचकर तीनों शीर्ष नेता प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगाए गए शिविरों का विजिट करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी अजय माकन को गुड गवर्नेंस की सोच के साथ शुरू किए गए शिविर दिखाना चाहते हैं, साथ ही ये बताना चाहते हैं कि आम जनता के काम इन शिविरों में हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले गुरुवार को ही मुख्यमंत्री ने अभियान की सुस्त रफ्तार और ढिलाई बरतने पर आला अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। अगले ही दिन दौरे को लेकर अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। रात से ही सीएम के दौरे की तैयारियों में आला अधिकारी जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।